सौरभ और विक्रम दोनों के घर आसपास थे। वे एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। वे साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ अपने घर लौटते थे। उनके पिताजी भी एक ही ऑफिस में काम करते थे। सौरभ और विक्रम दोनों को ही प्रतिदिन जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे। विक्रम अपने सारे पैसे स्कूल में ही खर्च कर डालता, कभी चाट खाता तो कभी च्विंगम। उसके मम्मी पापा कभी उससे यह तक न पूछते कि वह पैसा किस चीज में खर्च कर रहा है। धीरे धीरे विक्रम को बाहर की चीजें खाने का शौक लग गया। विक्रम देखता है कि सौरभ स्कूल में चीजें खरीदकर बहुत कम खाता है। वह अपने घर से ही खाना या नाश्ता लेकर आता था और वही खाता था। विक्रम उससे कहता, अरे चलो भी, हम सभी दोस्त मिलकर चाट खाएंगे। लेकिन सौरभ बड़े आराम से उन्हें मना कर देता। वह बहुत ही कम कभी कभी उनके साथ जाता था। यह देखकर विक्रम को गुस्सा आ जाता था। उसने अपने मित्रों में यह बात फैला दी कि सौरभ तो कंजूस है, एकदम मक्खी चूस। अब तो उठते बैठते सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते, कंजूस, मक्खी चूस। शुरू में तो सौरभ इतने सारे बच्चों के यूं चिढ़ाने से थोड़ा परेशान हो जाता था, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि मैं इनके सामने रो गया या चिढ़ने लगा तो ये सब मुझे और चिढ़ाएंगे। जब बच्चे चिढ़ा चिढ़ा कर उसे थक गए और सौरभ पर उसका कोई असर नहीं हुआ तो वे आखिर में ऊब गए और थक गए। एक दिन विनय से नहीं रहा गया और वह पूछ ही बैठा, सौरभ तुम्हें जेब खर्च के लिए रोज पैसे तो मिलते होंगे ना? हाँ, मिलते तो हैं, सौरभ ने उत्तर दिया। तो फिर तुम इतने कंजूस क्यों हो? वो पैसे तुम खर्च क्यों नहीं करते? विनय ने पूछा। भाई, तुम मुझे कंजूस तो नहीं, पर हाँ सोच समझ कर खर्च करने वाला जरूर कह सकते हो, सौरभ ने बोला। कंजूस और सोच समझ कर खर्च करने वाले में अंतर ही क्या है? विनय ने फिर कहा। भाई, बहुत अंतर है, सौरभ उसे समझाने लगा। सोच समझ कर खर्च करने का अर्थ कंजूसी बिल्कुल नहीं है। नित व्यता तो फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच की वस्तु है। फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह बात तो गरीब और अमीर सभी के लिए एक समान तरीके से लागू होती है। ओहो उपदेशक महोदय, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए, विक्रांत कहने लगा। सौरभ ने फिर समझाया। देखो भाई, कंजूस तो वह होता है जो जरूरत होने पर भी अपने पैसे खर्च नहीं करता। ऐसा पैसा व्यर्थ है, मिट्टी है, जो न अपने काम आए और न दूसरों के। लेकिन हमें सोच समझ कर पैसा खर्च करना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ हमें खर्च करना है और कहाँ नहीं। तभी पंकज ने कहा, ओहो छोड़ो ये सब बातें, अब बताओ कि सोच समझ कर खर्च करने से लाभ क्या है? सौरभ बोला, ऐसा ना कहो, फिजूल खर्ची अंत में बहुत ही दुख देती है, चाहे वह धन की हो, समय की हो या फिर शारीरिक और मानसिक। विनय ने तुरंत ही पूछा, ओहो तुम्हें ये सब किसने सिखाया? तभी सौरभ बोला, मेरे अपने पिताजी और माताजी ने। तभी विक्रम ने पूछा, अच्छा तो तुम्हें जो पैसे मिलते हैं उनका तुम क्या करते हो? तो सौरभ ने बड़े गर्व से कहा, मैं उन्हें अपनी गुल्लक में डाल देता हूँ। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो उसी में से ले लेता हूँ। तभी विक्रम ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, अभी तो हमारे मजे करने के दिन हैं। ऐसे पैसे जोड़ने के लिए या फिजूल खर्च ना करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। पर तुम भूल जाते हो कि बचपन में हम जैसी आदतें डाल लेते हैं, बड़े होकर भी हमारी वही आदतें बनी रहती हैं, सौरभ ने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। तभी विक्रांत बोला, तो भाई हमारी तो गंदी आदतें ही सही, तुम बन जाओ बहुत ही सुधरे हुए आदमी। सभी बच्चे सौरभ को उल्हाना देते रहे। यह सौरभ का बच्चा अपने आप को न जाने क्या समझता है,
पढ़ने में जरा कुछ होशियार क्या है कि हम सभी पर उपदेश झाड़ता रहता है। मास्टर जी भी इसे प्यार करते हैं, इसीलिए यह हम सब पर रौब इतना झाड़ता है। वे सब आपस में बातें कर रहे थे। उस दिन के बाद से ज्यादातर बच्चों ने सौरभ के साथ बात करना छोड़ दिया। विक्रम और उसके सभी साथी बच्चों को सौरभ के विरुद्ध भड़काते रहे। एक दो बच्चे ही ऐसे थे जो कि उनकी बातों में नहीं आए और वे सौरभ के साथ बैठते, उसके साथ खेलते और उसी के साथ ही पढ़ना पसंद करते थे। इसके कुछ ही दिनों के बाद की बात है, अचानक ही हमारे देश का पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया। देश के सारे बच्चे, जवान और बूढ़े बड़े ही उत्साह से जगह जगह पर रक्षा कोष के लिए धन एकत्रित करने लगे। सौरभ की गुल्लक में भी अपनी जेब खर्ची के मिले हुए बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने मन में सोचा कि इस पवित्र काम के लिए मैं ही क्यों पीछे रहूं। उसने अपनी सारी एकत्रित धनराशि रक्षा कोष में देने का विचार किया। उसके पास अब तक कुल मिलाकर 900 रुपए जमा हो गए थे। सौरभ ने अपने पिताजी से यह बात कही तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सौरभ पर गर्व होने लगा। सौरभ को प्रोत्साहन देने के लिए पिताजी ने भी उसमें कुछ और पैसे मिला दिए और एक ड्राफ्ट बनाकर प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिए। और उसने साथ में एक पत्र भी रखा और उसमें लिखा कि आप चिंता मत कीजिए, देश पर संकट आने पर हम नन्हे मुन्ने बच्चे भी एकजुट होकर काम करेंगे और अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि पर नौछावर कर देंगे। लगभग एक सप्ताह बाद प्रमुख समाचार पत्रों में सौरभ का फोटो और यह पत्र छपा। साथ ही यह समाचार विस्तार से दिया गया कि किस प्रकार एक 10 वर्ष के छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने अपनी जेब खर्च के बचाए हुए पैसे अपनी देश की रक्षा के लिए रक्षा कोष में जमा किए हैं। बच्चे के इस त्याग भरे कार्य से बड़े बड़ों को भी बहुत प्रेरणा मिली। सौरभ के प्रधान अध्यापक और उसके माता पिता ने जब यह समाचार पढ़ा तो वे गदगद हो उठे और उन्होंने भी सौरभ को सम्मानित करने का विचार बनाया। अब विक्रम और उसके साथी आज मन ही मन बहुत लज्जित महसूस कर रहे थे। वे सौरभ के पास आए और बोले, भाई तुमने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। हमारे ही विचार खराब थे कि हमने तुम्हें इतना परेशान किया और तुम्हारी निंदा की। अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इस बार हमें माफ कर दो। तभी सौरभ ने बड़े प्यार से उनसे कहा, छी कैसी बातें करते हो तुम सब, मैं तो तुम सबको पहले भी प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। यह कहते हुए सौरभ ने अध्यापकों से मिले हुए टॉफियों के डिब्बे में से एक एक टॉफी अपने सभी मित्रों को बांट दी और सभी ने मिलकर उनका आनंद लिया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।